हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डेटा व्यू फिल्टर फंक्शन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमें करना क्या है फिल्टर फंक्शन का यूज़ करके। फिल्टर फंक्शन का यूज़ करके हमें ये जो गिवन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है इसके डेटा को फिल्टर करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पे लोड फिल्टर, हमारे पास सजेशन दे दिया है प्लेग्राउंड ने, इसी को हम चूज़ कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो पैरामीटर, आइटम एंड इंडेक्स। ओके, तो हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। हमें वो डेटा प्रिंट करना है जिसमें कि जो एज है आपकी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, उसी डेटा को प्रिंट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, आइटम डॉट एज, ओके, इज ग्रेटर देन, अगर मैं 20 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ वही डेटा क्या करेगा, वही डेटा प्रिंट करेगा जिसमें कि एज ग्रेटर देन 20 है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऐसा एक ही ऑब्जेक्ट है जिसमें कि एज ग्रेटर देन 20 है। तो मैं आपको ये बता दूं ये जो आइटम डॉट एज लिखा है कैसे लिखा हुआ है। एक्चुअल में क्या है, ये जो एरे है ना, हमारा जो फिल्टर फंक्शन है ये एरे पर काम करता है। एज ए इनपुट ये क्या करता है, एक एरे लेता है। ओके, तो हमने एरे जो लेता है इसमें जो आइटम है ये रिप्रेजेंट करता है एरे के आइटम्स को। तो यहाँ पर जो 3 आइटम है एरे के अंदर, आइटम 0, आइटम 1 दूसरा ऑब्जेक्ट, और आइटम 3 यानी कि आपका तीसरा ऑब्जेक्ट। तो जब ये आइट्रेट करेगा फिल्टर वन बाय वन आपके इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि एरे के अंदर है, तो फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करेगा और चेक करेगा इसकी जो एज है क्या ग्रेटर देन 20 है। नहीं, इसकी एज ग्रेटर देन 20 नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होगा। देन इसको चेक करेगा क्या इसकी एज ग्रेटर देन 20 है, डेफिनेटली इस वाले ऑब्जेक्ट की जो एज है, और आई कैन से इस वाले आइटम की जो एज है ग्रेटर देन 20 है, तो इसको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लास्ट वाला चेक करेगा क्या इसकी एज ग्रेटर देन 20 है, नहीं इसकी एज ग्रेटर देन 20 नहीं है, इसकी एज इक्वल टू 20 है, तो जो कि मैंने कंडीशन में नहीं लगाया। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूँ, तो आपका जो लास्ट वाला आइटम है और जो और आई कैन से ऑब्जेक्ट है ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फिल्टर फंक्शन है वो काम करता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे फिल्टर फंक्शन का यूज़ करके आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर एज के साथ साथ नेम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइटम डॉट नेम अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, आइटम डॉट नेम इज इक्वल टू विराट, यानी कि जहाँ पर जो नेम है अगर वो विराट है तो वो डेटा प्रिंट कर दूँ, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा फिल्टर फंक्शन, जो कि मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अभी हम दूसरे एक फंक्शन की बात करेंगे जो कि हमारा ऑर्डर बाय। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ऑर्डर बाय फंक्शन का यूज़ करके हम कैसे इस अपने डेटा को एक ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पेलोड ऑर्डर बाय, ओके, अगेन यहाँ पर जो सिग्नेचर है उसमें हमारे दो पैरामीटर है, एक आइटम है और एक इंडेक्स है। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को हमें ऑर्डर एज के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय करना है। तो आइटम डॉट एज, ओके, सो ये क्या कर रहा है, एज के अकॉर्डिंग इसने डेटा को एक ऑर्डर में प्रिंट कर दिया, यानी कि किस ऑर्डर में प्रिंट किया, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया, 19, 20 देन 24। तो इस तरीके से आप ऑर्डर बाय फंक्शन का यूज करके डेटा को असेंडिंग ऑर्डर एक ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक दूसरा सिंटेक्स भी यूज कर सकते हैं जो कि हमारा है पेलोड ऑर्डर बाय। ओके, इसमें आपको करना क्या है, आपको लिखना है डॉलर डॉट एज। ओके, अगेन ये भी क्या करेगा, सेम काम करेगा जो कि हमारा यहाँ पर हो रहा था, आपके डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।